लास्ट क्लास में हमने रियलाइजेशन का कंसेप्ट समझ लिया, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अब उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी हमें। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा, प्रदीप और राजेश वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अच्छा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन की स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ना, कई बार कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में दे रखी होती है, ठीक है। सो प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। सो दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म ऑन 31 मार्च 2018। प्रदीप वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। गौर फरमाने वाली बात है कि हमने प्रदीप को काम दिया है कि वो एसेट्स को बेचे और लाइबिलिटीज को सेटल करे। फॉर दिस ही वॉज पेड ₹1,000 एज इज कमीशन। अंडरलाइन दिस कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो आपको इस ट्रांजेक्शन को एंटर करना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। देखो अब तक हम जब भी एंट्रीज करते आए हैं बाकी के चैप्टर्स के अंदर, अकाउंट्स बनाते आए हैं, तो हम बैलेंस शीट से ही शुरुआत करते आए हैं ना। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट को ही कंसिडर करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। डिसोल्यूशन में हम सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। हमारा सबसे पहला काम है बैलेंस शीट में से एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज करना, क्योंकि बाद में पॉइंट्स का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डालोगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। बताइए बिल्डिंग आप यहाँ पे क्लोज करेंगे या नहीं? बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को रियलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्डिंग को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप बिल्डिंग को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो 1,20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जा सकती है, 30,600। डेटर्स बताइए, डेटर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई इसमें प्रोविजन भी है। मैंने आपको कल भी समझाया था, क्योंकि देखो डेटर्स एसेट है, इनके डेबिट बैलेंस होता है। प्रोविजंस काइंड ऑफ लाइबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्लोज होगी आपकी। तो यहाँ भी हम हेडिंग डाल के रख लेते हैं, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जिसमें आप क्या क्लोज करने जा रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ डेटर्स आ गए 34। देखो विदाउट प्रोविजन हमने यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल्स होंगे ट्रांसफर, कितने के हैं? 37,400। बैंक अकाउंट, बैंक ऑलरेडी कैश है, कलेक्टेड कैश है ये ऑलरेडी हमारे पास है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइज हो सकता है क्या? नहीं। और हमारे पास एसेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस कहाँ जाएगा, किसका है ये लॉस? पार्टनर्स का, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल, अगर ये क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का होता, तो आप गुडविल का क्या करते हैं? ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, बांट देते ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, यही काम करते। अब मैंने आपको कहा था ना कि डिसोल्यूशन इसलिए बहुत खूबसूरत है, जिन दो चीज़ों में हम बाकी वाले चैप्टर्स में अटकते हैं, लाइक गुडविल हो गई, रेशोज हो गई, ये उन्हीं सब का इसने चक्कर खत्म कर रखा है। इसने कहा कोई एग्जिस्टिंग, कोई रिवैल्यूड गुडविल नहीं होती यहाँ पे। जो गुडविल आपको दे रखी है ना एसेट साइड में, उसे आप नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करें, यहीं पे आप इस गुडविल को भी क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आपकी गुडविल भी यहीं पे आएगी, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे बाकी एसेट्स का ट्रीटमेंट है, वैसे इसका भी ट्रीटमेंट है, यहीं पे क्लोज होगी। ये भी आके बिक जाएगी तो पैसे लिख देंगे, नहीं बिकेगी तो ना सही, ठीक। तो अब यहां पर हमने इसका टोटल करना है सभी एसेट्स। ये टोटल आ रहा है हमारा 2,26,000। लाइबिलिटी साइड में आते हैं, सबसे पहले दे रखे हमें क्रेडिटर्स। बताइए हमें जब लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, आउटसाइडर डेट्स, बाहर वाले लोग, ठीक है, घर वाले नहीं। घर वाले कौन है हमारे? सिर्फ पार्टनर्स, ठीक है। तो बताइए क्रेडिटर्स बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर वाले हैं ये 80,000 के। मिसेस प्रदीप स्लोन, हमारा पार्टनर कौन है? प्रदीप। किसका लोन दे रखा है? प्रदीप लोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिसेस प्रदीप लोन का मतलब उसकी बीवी का लोन है, तो बीवी वो उसकी है, वही वाली बात,
उसकी घर वाली है. दिस इज नॉट अ मिस्टेक. ये आउटसाइडर, इसकी बीवी अच्छा खासा पैसे वाली थी, उसने उसकी फर्म को लोन दिया है. ठीक है, तो फर्म के लिए क्या है ये आउटसाइडर लाइबिलिटी. ठीक है, तो आपने यहाँ पर उसको क्लोज करना है. मतलब यही गलती पेपर में मत कराना किसी भी एससी वालों, तुमने गलती करी है. 40,000 का. ठीक है, राजेश लोन पार्टनर है ना, पार्टनर है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है नहीं, तो यहां नहीं आएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एज इट इज आपने पूरा 8,000 का ट्रांसफर करना है. क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पूरे ट्रांसफर कर दिए, जो इफेक्ट आएगा अपने आप ही यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है, क्योंकि आप बताइए क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे या नहीं. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1,32,000. इस काम को करने के बाद हमें सिर्फ पॉइंट्स में जो इंस्ट्रक्शन है वो करना है. जो भी हमें पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं हमें वो करना है. जैसे कि पहला बोला गया प्रदीप अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन. प्रदीप कहता है कि मैं अपनी बीवी का लोन चुका दूंगा, तो हम उसे कहते हैं हाँ भाई चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है. वो कह रहा है मैं चुका दूंगा, तुम मुझे पैसा दे देना, मेरी कैपिटल को बढ़ा देना. मैंने आपको लास्ट क्लास में रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया, एसेट्स यहाँ आके सेटल होंगे, यहाँ आके रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज को सेटल यहाँ करना है. ठीक है, तो अगर एक पार्टनर कहता है कि ये जो आपकी ये वाली लाइबिलिटी है ना, ये मैं पे कर रहा हूँ, तो आप किसको पे करेंगे पैसा? प्रदीप को. भाई प्रदीप कहता है कि मैं आपकी प्रदीप लोन के नाम की, मिसेस प्रदीप लोन के नाम की लाइबिलिटी पे कर देता हूँ, तो आपको किसको पैसा देना पड़ेगा? प्रदीप को. ठीक है, तो आप यहाँ एंट्री करेंगे टू, सो मिसेस, सो प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेस प्रदीप लोन. जो भी आप लाइबिलिटी पे करते जाएंगे उसका नाम भी लिखते जाएंगे. कितने की थी लाइबिलिटी हमारी? 40,000 की. ठीक है, नेक्स्ट. Half of the debtors realized 12,000. उन्होंने कहा ये जो आपके debtors है ना, कितने के debtors हैं? 34,000 के debtors. आधे मतलब 17,000 वाले debtors ने हमें 12,000 रुपए दे दिए. अब कितने के थे उससे मतलब नहीं है, कितना पैसा आया उतने से मतलब है. हमारे पास पैसा कितना आ रहा है? 12,000. ठीक है, अब यहाँ एंट्री किस नाम से करेंगे आप? एसेट रियलाइज हुआ है आपका तो कैश में ही हुआ होगा, पर क्या आपके पास एसेट साइड में कैश है? बैंक है ना, तो बैंक से एंट्री करना. ठीक है, तो यहां पर डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ आपको? 12,000. ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग डेटर्स. रिमेनिंग मतलब 34,000 के डेटर्स थे, 17 वालों से तो 12,000 मिल गए. बचे हुए 17,000 वाले डेटर्स ने कहा कि हम आपके क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर कहां गए क्रेडिटर हमारी, अरे ये जो क्रेडिटर है आपके 80,000 के, इसके 25% ग्रेटर हम पे कर देंगे. आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000 के जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसका 25% निकालो. पहले कितना आया? 20,000. आपके 20,000 के क्रेडिटर के बदले में 17,000 के डेटर्स सेटल हो गए. एक एसेट से एक लाइबिलिटी सेटल हो गई. एंट्री करोगे क्या? नहीं. क्या रिमेनिंग डेटर्स यानी कि 17,000 के जो डेटर्स हैं उनका हमने इस्तेमाल किया 25% ऑफ क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. टोटल हमारे क्रेडिटर्स 80,000 के हैं, 80,000 का 25% हुआ 20,000, यानी कि 80 में से 20,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ हो चुकी है. कैसे पे ऑफ हुई है? एक एसेट से. अभी भी कितने की लाइबिलिटी बची है? 80 में से 20 के सेटल हो गई, 60 की. ध्यान रखना है कि 60 की लाइबिलिटी बची है. ठीक है, आगे देखो. इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश. एक मेरा पार्टनर लेके चला गया मेरी एक इन्वेस्टमेंट, एक एसेट, तो हम किससे पैसा लेंगे? पार्टनर से लेंगे ना, पैसा नहीं आया हमारे पास, हमने उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया है, तो इधर सेटल होगा वो. थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे बाय राजेश कैपिटल अकाउंट. क्या लेके गया है? इन्वेस्टमेंट. कितने की? 27,000 की. ठीक है, उसके बाद आगे देखिए रिमेनिंग क्रेडिटर्स. बताना जरा रिमेनिंग कितने थे? 60,000 के. उन्होंने बोला रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months. दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट. उन्होंने कहा जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे ना, हमें 2 महीने बाद पे करने थे, लेकिन क्योंकि हम उन्हें आज ही पे कर रहे हैं तो वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से. ठीक है, तो हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं जरा किस नाम से करेंगे? वही टू बैंक अकाउंट.
यहां आप लिखोगे क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स थे 60,000 के, ठीक है। इसमें से आप माइनस करो डिस्काउंट, 60,000 इंटू कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमें 10%, लेकिन कितने महीने का, 2 महीने का, ठीक है, तो इंटू 2/12, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आपका 1,000 आएगा, तो 60,000 में से 1,000 गए 59,000, इसका मतलब क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी हुई है 59,000 की। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलो, देखो जैसा इंस्ट्रक्शन है बस वैसे करते जाना है, बहुत ईजी है। रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1400, उन्होंने कहा सेटल तो हुआ है लेकिन 1400 रुपए के लॉस पे। भाई 37,400 का है, 1400 माइनस करोगे तो कितने का सेटलमेंट हुआ 36,000 पे, तुम्हारे पास पैसे कितने आए होंगे 36,000, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,500, क्वेश्चन लिखा बॉन्ड बाय क्या पेड बाय क्या, क्या मानोगे दोनों फॉर्म, तो एंट्री क्या जाती है फिर रियलाइजेशन टू कैश। फॉर्म का खर्चा है टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं 2,500। अब याद करो कि मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन करने के लिए कहा था, क्या था वो, कि हमने प्रदीप को क्या दिया है 1,000 की कमीशन दी हमने प्रदीप को, तो वो आप कहां लिखेंगे कमीशन देना, डेबिट साइड में, तो आप यहां लिख दोगे टू प्रदीप्स। अब क्या होता है ना कि देखो ये पॉइंट में नहीं लिखा हुआ था, ये तो मिस हो जाता है बच्चों से, तो इससे पहले अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर रखा होगा तो लास्ट में आपको याद रहेगा कि ये एंट्री हमने करनी है। क्या मतलब, यहाँ दोनों अलग अलग चीज है ना, इसलिए। अब बिल्कुल बैलेंस करने से पहले एक चीज देखनी है, पहले आप सारे एसेट्स को देखो, बिल्डिंग रियलाइज हो गई, इन्वेस्टमेंट ये लेकर चला गया, डेटर्स सेटल हो गए थे, आधे यहाँ हो गए थे, आधे क्रेडिटर से सेटल हो गए थे, बिल रिसीवेबल की पेमेंट आ गई है, गुडविल कहीं नहीं आया। देखो अगर गुडविल की जगह कोई और एसेट होता, मतलब टेंजिबल एसेट होता, तो मैं उसको उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देती, लेकिन क्योंकि ये एक इनटेंजिबल एसेट है तो इसकी कोई वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, ये मैंने आपको नोट लिखवा दिया था। तो अब आप यहाँ एसेट्स का टोटल कर सकते हो, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है, ये तो हमारा ही रिजर्व था। क्रेडिटर्स पेमेंट हो चुकी है, इधर हो गई थी पेमेंट, मिसेस प्रदीप लोन इसने पे ऑफ कर दिया है, आईएफएफ की भी कोई पेमेंट नहीं होती। अब आप बैलेंस कर सकते, तो ये टोटल आया हमारा 2,00,000। चलो भाई, हाँ जी, तो हमारा इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 3,59,000 और इधर साइड का टोटल आ रहा है 3,28,500। तो हमें गेन हुआ है रियलाइजेशन के लिए, तो हम यहां लिखेंगे टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। क्या नाम है हमारे पार्टनर्स के, प्रदीप, पहले नाम प्रदीप का ही है, प्रदीप एंड राजेश, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 30,500, आप 30,500 को बांटेंगे, 3:2 थी उनकी, तो ये आ गया आपका 18,300 और 12,200, ठीक है। और एंड ऑफ द क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ इतना ही है, मतलब बेस मेन जो भूमिका निभाई है, जो मेन लीड रोल इस रियलाइजेशन का ही है, बाकी तो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर्स हैं इसमें, बाकी के अकाउंट, मेन लीड रोल इसी का ही है रियलाइजेशन अकाउंट का, एंट्री में भी और अकाउंट में भी। मतलब अगर आपने ये समझ लिया ना, 70 क्या मैं तो कहती हूँ 80% चैप्टर आपने कर लिया, अगर आपने रियलाइजेशन कर लिया तो, बाकी का वो 20% ही है जो है, ठीक है।